वेलकम बिग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए व्लॉग के अंदर। और दोस्तों आज का जो व्लॉग होने वाला है नॉर्वे कोटा के शिवपुरी धाम का होने वाला है, जहाँ पर भी दोस्तों 525 शिवलिंग है। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है वो है नॉर्मली आज है मतलब सावन का फर्स्ट सोमवार, तो दोस्तों काफी ज्यादा भीड़ होने वाली है। और दोस्तों अभी टाइम हो रहा है सुबह का लगभग 8-9 बजे हुए हैं और दोस्तों अपन चलने वाले हैं उस जगह पे। दोस्तों उस जगह के बारे में मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। नॉर्मली पूरे भारत में नेपाल के बाद ये पहला ऐसा मंदिर होगा जहाँ पर 525 शिवलिंग एक साथ है। और ऐसा कहा जाता है कि मतलब वहाँ पर 500 शिवलिंग के शिवलिंग जो कि है उनके एक साथ दर्शन करने से 12 ज्योतिषलिंगों के दर्शन हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिखाते हैं वहाँ पर कैसे मतलब कैसा सिस्टम है वहाँ पर, कैसा दृश्य है। नॉर्मली वहाँ पर मैं पहले एक दो बार जाया हुआ हूँ, तो नॉर्मली आपको घुमाने चलते हैं। और तो आज शाम आऊँगा बस सोमवार, तो नॉर्मली मुझे तो जाना था। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अकेला नहीं हूँ, आज मेरे साथ ही मेरा दोस्त अक्षय सोनी। तो अक्षय भाई बताओ कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये ना मतलब ये रात भर पड़ रहा था बेचारा, और ये ना सोने वाला था, और मैं इसको उठा के लाया हूँ ताकि मुझे लगे कि मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, और दोस्तों ये नॉर्मली मेरी वीडियो यहाँ पर शूट कर सके। तो अक्षय भाई कैसी फीलिंग आ रही है? मस्त आ रही है, बहुत अच्छे तो चले तो अब ये ना मौसम मस्त हो रहा है, बहुत शानदार पानी आ जाए ना तो और भी जबरदस्त काम बन जाए। और अब ये ना अपने यहाँ पर एरोड्रम के आईनोक्स यहाँ पर है, थिएटर यहाँ पर है, तो सिंपली अभी यहाँ से हो रहे हैं अपन रवाना। ठीक है, तो फटाफट से चलते हैं उसी वाली जगह पर। अभी यहाँ पर पहुँच चुके हैं शिवपुरी धाम चौकसे भाई, और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। इधर की साइड है यहाँ पर, ये इसके अंदर ही आता है जितना भी कुछ है, मतलब नॉर्मली यहाँ पर इसके अंदर ही देखने को मिलता है। और जो मंदिर है नॉर्मली यहाँ पर है, तो अभी इसका है ना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर विकास हो चुका है। मतलब मैं पहले आया था ना तब यहाँ पर ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था, तो अभी बहुत कुछ बन चुका है। ठीक है, तो अभी मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ का सीन। तो अभी अपन खड़े हैं मंदिर के आगे। ठीक है, ये मंदिर का गेट है, तब से चले मंदिर के अंदर। हाँ, दोस्तों यहाँ पर अपन मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और ये मंदिर है कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो यहाँ पर। इधर ये बाबा बैठे हुए हैं, नागा बाबा। तो जय श्री राम बाबा। तो यहाँ पर ये मंदिर, और अभी आपको दिखा रहा हूँ एक शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि बोलते हैं 14 टन के। ठीक है, मतलब 14-15 टन वजन बताते हैं इसका। तो आप यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, ये देख सकते हो आप। ये शिवलिंग है यहाँ पर कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर ये घंटी वगैरह रखी रहती है, तो यहाँ से उठा के यहाँ पर है ना जल चढ़ाते हैं कुछ इस तरीके से, आप यहाँ पर देख सकते हो। और यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल फ्रंट में यहाँ पर माँ देव जी की प्रतिमा, और देख सकते हो काफ़ी सारे शिवलिंग है यहाँ पर। यहाँ पर हमारे अक्षय भाई है, और देख सकते हो यहाँ पर नॉर्मली सभी यहाँ पर जल चढ़ा रहे हैं यहाँ पर एक एक करके, यहाँ पर ये देख सकते हो सभी। तो नॉर्मली अभी अपन यहाँ ही खड़े हैं, और सबको महादेव का प्रणाम मतलब महादेव जी का, क्योंकि आज ना काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, और सावन का फर्स्ट दिन है नॉर्मली। ठीक है, तो फर्स्ट दिन है मतलब फर्स्ट सोमवार है, दिन क्या है फर्स्ट सोमवार है, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और इधर जैसा कि मैंने बताया था शिवलिंग है यहाँ पर, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर नाड़िया जी है, तो इनके कान में कुछ बोल देते हैं, तो ऐसा बोलते हैं उनके जो कान में बोलते हैं नॉर्मली वो इच्छा पूरी हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने तो बोल दिया है, और अक्षय भाई यहाँ पर लाइन में खड़े हुए हैं। अक्षय भाई, अक्षय कहाँ जा रहा है? कान में बोल रहे क्या बोल के आएगा? तो अभी उसको भी पता नहीं है वो क्या बोलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने बोलना था नॉर्मली बोल दिया। और यहाँ पर एक गणेश जी का मंदिर ये सामने, आप यहाँ पर देख सकते हो ये। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारी भीड़ है, और नॉर्मली जो मैंने बताया था यहाँ पर काफ़ी सारे शिवलिंग वगैरह हैं, नॉर्मली मैं जैसा कि आपको बता रहा था वो कुछ इस तरीके से इस साइड में यहाँ
यहाँ पर पीछे साइड पे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर कुछ हवन वगैरह होते हैं नॉर्मली वो वाली जगह है यहाँ पर। इधर एक इसाता बना हुआ है, मतलब वो बोलते हैं ना जिसको अपन बनाते हैं शुभ कोई भी शुभ काम के लिए, तो इसी साइड में यहाँ पर जितने भी शिवलिंग है नॉर्मली यहाँ पर बने हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हो ये। तो यहाँ पर एक एक करके सभी यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। देख सकते हो आप यहाँ पर लाइने लगी हुई है ये कुछ इस तरीके से, और सब यहाँ पर महादेव जी को जल चढ़ा रहे हैं। मतलब तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, मतलब यहाँ पर लगभग 525 शिवलिंग है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जल वगैरह यहाँ पर चढ़ा रहे हैं ये। और यहाँ पर आगे ब्रह्मा जी की मूर्ति है, ठीक है, ये ब्रह्मा जी की मूर्ति है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जहाँ से, मतलब जहाँ से जहाँ तक देखोगे, मतलब शिवलिंग यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पर जो जल चढ़ाया जाता है शिवलिंग पर, नॉर्मली यहाँ पर ओम नमः शिवाय बोल के चढ़ाया जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारे में जितने भी देखोगे, मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो सारा। और यहाँ पर एक तरीके से आकार बताऊँ तो किस तरीके के आकार में बने हुए हैं ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, ये सारा यहाँ का सीन है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं हूँ और इधर अक्षय भाई है, तो मैं अक्षय भाई के पास आपको लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने भी मतलब शिवलिंग आपको नज़र आ रहे हैं सारे के सारे में, मतलब यहाँ पर जल चढ़ाया जाता है। और ऐसा बोला जाता है कि सारों पे जल चढ़ाने से 12 ज्योतिर्लिंगों के यहाँ पर दर्शन हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर हमारे अक्षय भाई, क्यों अक्षय भाई पीछे कैसे रह गए? अरे यार टाइम लगता है यार, मैं तो फटाफट से रेडी हो गया। तो यहाँ पर हमारे अक्षय भाई चढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अभी मैं फ्री हो चुका हूँ, ओम नमः शिवाय बोल के यहाँ पर चढ़ा रहे हैं, तो उस मन की जो इच्छा होती है वो पूरी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर चढ़ा लिया दोस्तों। यहाँ पर जो मंदिर है वो नॉर्मली मैंने आपको पहले दिखाई दिया, वो रास्ता उनका पहला दिन है। तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, आप यहाँ पर देख सकते हो नॉर्मली काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और आपका भाई भी यहाँ पर आया है, तो फिलहाल चलिए और दिखाते हैं आपको, कुछ और जगह दिखाते हैं आपको यहाँ पर। ये अभी है ना, ये अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, मतलब ये जितना भी काम है यहाँ पर ये काम चल रहा है, लगभग यहाँ पर अभी पूरा नहीं हुआ है। आप यहाँ पर देख सकते हो बलिया वगैरह यहाँ पर लगी हुई है, ठीक है। तो ये काम चल रहा है और अगले सावन तक मुझे लगता है अपन आएंगे ना वहाँ तक ये प्रॉपर रेडी हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था, मैं पहले आया था तब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है और अभी ना सूरज भी निकल चुका है, ठीक है। यहाँ पर जितने भी शिवलिंग वगैरह थे, क्यों से भाई अपन ने यहाँ पर सब पे जल वगैरह छोड़ दिया और दर्शन भी कर लिए, और हमने यहाँ पर आपको मंदिर भी दिखा दिया कैसा है कैसा नहीं है। तो ये था कोटा का शिवपुरी धाम, जहाँ पर भी 525 शिवलिंग है। और ऐसा बोला जाता है कि 1985 में यहाँ पर जो नागा बाबा थे उन्होंने यहाँ की स्थापना की थी, मतलब इसकी जो नींव थी उन्होंने रखी थी। तो ये तो फिलहाल हो गए, चलो ये तो एंड वाली बातें हो गई, लेकिन फर्स्ट में करना चाहिए था। तो ये था शिवपुरी धाम, और अभी है ना अपन यहाँ से निकलते, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा कुछ है नहीं, ये चीज़ें अगर आपको आना है तो ये कोटा के ठेकरा में पड़ता है, एरोड्राम से लगभग 1.5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये शिवलिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। अच्छा भाई कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, और आप यहाँ पर देख सकते हो भीड़ पर भीड़ चलती जा रही है। अभी जो टाइम हुआ है लगभग 9:15 बज चुके हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था हम 8 बजे निकल आए थे, तो अक्षय भाई चले? हाँ चले। तो अभी ना अपन यहाँ से निकलते हैं और लास्ट बार ना महादेव जी को प्रणाम करते हैं और चलते हैं रूम की ओर।
तो दोस्तों यहाँ पर अपन मंदिर के अंदर घूम लें शौक से भाई, और अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं। नॉर्मली एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ, यहाँ पर ना आगे बाजार भी लगता है, मतलब पूजा वगैरह ले सकते हो, और दूसरी बात यहाँ पर पार्किंग वगैरह भी आपको मिल जाती है बाइक वगैरह रखना हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लगभग काफ़ी टाइम हो चुका है, 1-2 घंटे, तो फिलहाल अभी निकलते हैं यहाँ से, मिलते हैं किसी नई जगह पर नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम दोस्तों।